सो दोस्तों आज है पितृ पक्ष का लास्ट डे, तो हम भाभी और मेरा भाई हम तीनों लोग आए हैं गंगा किनारे पितरों को विदा करने। तो देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्र, तो हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। और माँ जगदम्बा सदा आप पर और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस आज से मेरे फास्ट हैं, मतलब मेरे पूरे 9 दिन के फास्ट होते हैं, तो आज अपना पहला फास्ट है। तो आज मैंने पहली बार मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, मतलब पाठ नहीं किया, मतलब उसमें जो कवच होते हैं ना वो पढ़े, पहली बार पढ़े। तो आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो थोड़ा पहली बार था, थोड़ा टाइम लगा, बट चलो कोई बात नहीं। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ गई अपनी चाय, तो चलिए अब चाय पीते हैं। और उससे पहले आपको चाय के दर्शन करवा देते हैं। तो ये रही अपनी चाय और साथ में है चिप्स। तो आइए नवरात्र के उपलक्ष में आप भी हमारे साथ चाय और चिप्स खा लीजिए। और हाँ गाइज, ये व्रत वाले चिप्स हैं। दोस्तों बरसने लग गया है पानी, बादल काले काले हैं, इधर देखे काले बादल हैं, उधर आधा आधा आसमान खुला है और पानी बरस रहा है, मतलब अजीब। दोस्तों अब ये बारिश हो गई है तेज, अगर ये आपको दिख रही हो कैमरे में, आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रही है या नहीं, बट मुझे तो दिख रही है। और लगता है मैया भी काफ़ी प्रसन्न हैं, खूब आशीर्वाद बरसा रही हैं। ये देखिए, प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये आज ही की क्लिप है, मैं हूँ यहाँ पे। सो दोस्तों हो गई है दोपहर और ये हमारा बन रहा है साबूदाना। तो भाभी सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हेलो, हैप्पी नवरात्रि सभी को। सबको हैप्पी नवरात्रि। और आज भाभी का भी फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो चलिए दोस्तों अब साबूदाना खाते हैं। तो दोस्तों बज रहा है 4:15 और चूंकि आज नवरात्र का पहला दिन है तो अपन जा रहे हैं मंदिर। तो यहीं पास में उजियारी देवी नाम का एक मंदिर है हमारे घर के पास में, तो वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब काफी फेमस है। और पता है वो टिल्ले पे बना है, काफी ऊंचे पे। तो बस वहीं पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। और थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि नवरात्र है तो भीड़ हो जाएगी। तो आई थिंक क्योंकि 4:15 बजा है तो मेरी कोशिश है कि 4 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएँ, तो हमें दर्शन हो जाए ठीक से। तो और उसके बाद मुझे जाना है पॉप सॉकेट लेने। अब हम ये देखते हैं कि हम पहले पॉप सॉकेट लेने जाते हैं अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन का पॉप सॉकेट टूट गया है और ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है ठीक से। मतलब मेरी आदत है फ़ोन वैसे पकड़ने की, तो वो हो नहीं पा रहा है। खुल खुल जा, तो ठीक है चलिए साथ में चलिए और बने रहिए साथ में। तो पहले क्या प्राइस है? 40 का। 40? ये 30 के ये वाला निकाला भैया। सो फाइनली दोस्तों मैंने ये वाला पॉप सॉकेट लिया। सो दोस्तों वो रहा टिल्ला, और वो देखिए टिल्ले पे ऊपर जो है वो ऊपर वो ये रहा मंदिर। तो अपन को यहाँ जाना है एक्चुअली, क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे झाड़वाड़ उग गई है, वरना पूरा एक ऐसे पहाड़ जैसा ही दिखता है, तो काफ़ी ऊंचाई पे है। तो अब अपन को यहाँ जाना है उजियारी देवी जी के दर्शन करने, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन आ गए हैं उजियारी देवी मंदिर, तो चलिए आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता, और अपन जाएंगे उधर से बाइक से। सो गाइस अपन आ गए हैं मंदिर से घर वापस, और ये हो रही है अपनी शाम की चाय। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। सो
दोस्तों हो गया है अपना डिनर का टाइम। तो ये देखिए हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे के पराठे, क्योंकि हम लोग का व्रत है। तो वैसे तो पूड़ियाँ बनती हैं सिंघाड़े के आटे की, लेकिन वो बहुत ऑयली हो जाता है, तो इसलिए मम्मी पराठे बना रही हैं। तो मम्मी ने जो है सिंघाड़े के आटों को आलू के साथ मिला के जो है गूँथ लिया है, और उसके बाद जो है जैसे नॉर्मल पराठे बनते हैं ये वैसे ही बनेगा। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी बना रहे हैं, इस बात का प्रूफ है क्लिप। और ये देखिए नॉर्मल पराठे की तरह ही बनाया जाता है, बस जो है इसको हल्के हाथों से बेला जाता है, इसमें बहुत दम नहीं लगाया जाता है। और जैसे कि ये मैंने इसलिए भी ऐड किया कि जिन लोगों का फास्ट है और वो बहुत ऑयली नहीं खाना चाहते हैं, तो ये बहुत लाइट होते हैं, तो आप ये पराठे बना के खा सकते हो। तो बस देखिए नॉर्मल पराठे की तरह ये सिक रहा है, और ये जो है मम्मी इसको सेक लेंगे अच्छे से। गाइस ये बड़े ही टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। जिनका भी फास्ट रहता है वो लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। सो दोस्तों ये है रेडी मेरा व्रत का डिनर, तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। सो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ जो व्रत में जो सेंधा नमक यूज़ होता है वो भी जो खड़ा ही आता है, फिर भाभी इसको सिलबट्टे में पीस लेती हैं। ये देखिए पिसा हुआ नमक। सो दोस्तों बज गया है रात का 11:15, और अरे खुले कहाँ से, हाँ तो बज गया 11:15, और अपन आ गए हैं वॉक वॉक करके। तो बस आ गई ब्लॉग सम आपकी बेला, एंड दिस इज व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज कि ये ताला बंद करना है कि नहीं, अभी नहीं। अच्छा हाँ, तो दिस इज व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दही। तब दही देयर वाज टाइम कि दही वुड बी द लास्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट जो मुझे पसंद हो, बट आजकल आई एम नोटिसिंग कि मैं थोड़ा बहुत दही खा लेता हूँ। मतलब एक टाइम था कि मेरे बहुत नखरे होते थे चीज़ों को खाने के लिए, मतलब लिटरली मैं बहुत कम चीज़ें खाता था। मतलब जैसे दही हो गया, कद्दू हो गया, परवल हो गया, कढ़ी हो गई, मतलब ये सब चीज़ें तो मैं कभी छूता भी नहीं था। बट आई थिंक बाय द टाइम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, तो मैं थोड़ा बहुत दही बहुत नहीं बट थोड़ा बहुत अब खाने लगा हूँ, दही बड़े खाने लगा हूँ। मैं कभी नहीं खाता ये सब चीज़ें, बट पता नहीं कैसे। सो चलो ये थी मेरी आज की बात, तो हो गया आज का प्रपंच पूरा। तो चलो इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि उसी से आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। तो दोस्तों व्हाइट शर्ट में जो लड़का वॉक करता जा रहा है ये केतन है, मेरा स्कूल क्लासमेट। मुझे लगता है मेरे घर की तरफ कहीं रहने लगा, अक्सर वॉक करते दिख जाता है, तो मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया।